दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो अपना एक ब्लॉग बनाना, अपना एक वेबसाइट बनाना, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे 10 से 15 मिनट के अंदर अपना एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग आप कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वेबसाइट बनाने के ऊपर, तो दोस्तों उस वीडियो पर मुझे 1,50,000 से ऊपर व्यूज मिले हैं। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो उस पर मुझे 6.2 के लाइक्स एंड 500 चेंज कुछ डिसलाइक्स मिले हैं। तो आप यहां पर लाइक्स एंड डिसलाइक्स रेशियो को देखकर पता लगा सकते हो कि ये वीडियो कितनी वर्किंग है। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना, जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। होस्टिंग लेनी होती है, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसके बीच शायद उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री का वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा ब्लॉगर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान होता है। आपको यहां पर कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ना ही होस्टिंग लेने की। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर ब्लॉग, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, दोस्तों तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है ब्लॉगर। आप यूआरएल में डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो blogger.com। तो जैसे ही आप सर्च कर दोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो blogger.com के लिंक, तो आपको क्लिक करके blogger.com पर आ जाना है। दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रहा हमारा ब्लॉगर। दोस्तों ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाने से पहले मैं ब्लॉगर के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बता दूं। दोस्तों ये ब्लॉगर जो है ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। दोस्तों ब्लॉगर पे आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। दोस्तों ब्लॉगर पर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लॉगर ही आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ब्लॉगर आपको एक डोमेन भी देता है जो कि सब डोमेन होता है .blogspot.com नाम का, आपको यहाँ पर डोमेन भी मिलता है दोस्तों, सब डोमेन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी तरह की होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ना ही दोस्तों जैसे हम वर्डप्रेस पर होस्टिंग लेने के बाद होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर किसी को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा साइन इन, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जीमेल आईडी से ब्लॉगर पर साइन इन भी कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक कर देने के बाद आप अपने जीमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप जैसे ही साइन इन कर लेते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, तो यहाँ पर आपका एक ब्लॉग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का टाइटल देना है। दोस्तों आपके वेबसाइट का जो नेम होगा, आपके ब्लॉग का जो नाम होगा, वो आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेमो ब्लॉग। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो एड्रेस, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का एड्रेस देना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जो आपके ब्लॉग का टाइटल होगा ना दोस्तों, उसी से रिवेलेंट आपका उसी से मिलता जुलता आपके ब्लॉग का एड्रेस होना चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट कर देने के बाद आप यहाँ पर से देख लीजिए कि ये आपका जो एड्रेस होगा वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि मुझसे पहले किसी ने इस डोमेन को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ लगा कर देखता हूँ, जैसे 2018, और अब देखता हूँ ये अवेलेबल है, सॉरी ये भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा डेमो ब्लॉग 20188.blogspot.com। तो दोस्तों ये जो .blogspot.com है ना दोस्तों, ये गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाने वाला सब डोमेन है दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। तो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट ब्लॉग, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो ये आपका जो ब्लॉग है वो बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये बोल रहा है फाइंड ए न्यू डोमेन फॉर योर ब्लॉग एंड कनेक्ट इट इंस्टेंटली। तो दोस्तों हमें अभी यहाँ पर कोई डोमेन की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर से कट कर देते हैं दोस्तों।
तो आपका ब्लॉग बनकर रेडी है दोस्तों, ये रहा आपके ब्लॉग का डैशबोर्ड। दोस्तों आपका ब्लॉग बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक बार व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा ब्लॉग दिखने में कैसा लग रहा है। और ये मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका ब्लॉग कुछ इस तरह का लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसमें अभी काफ़ी चीज़ें करना बाकी है दोस्तों, हमें इसको पूरी तरह से कस्टमाइज करना होगा, इसका जो पूरा लुक होगा दोस्तों वो पूरा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने ब्लॉग के URL पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर .blogspot.com, तो दोस्तों ये है गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाने वाला सब डोमेन। दोस्तों अगर आप चाहो तो आप इस .blogspot.com को हटा सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक डोमेन है, अगर दोस्तों आपके पास एक डोमेन ऑलरेडी है तो दोस्तों उस डोमेन को आप यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों, या अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो दोस्तों आप एक नया डोमेन परचेस कर सकते हो दोस्तों, जो कि आपको मिल जाएगा 80 से 100 रुपये के अंदर आपको एक .com वाला डोमेन मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, .blogspot.com और .com में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जब आपका ब्लॉग पैसे कमाने के लायक हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली आप ब्लॉग बना रहे हो तो आप उससे पैसा कमाना चाहोगे, आप उस पर एड्स दिखाकर कुछ पैसा कमाना चाहोगे। तो दोस्तों जब आप अपने ब्लॉग पर एड्स दिखाने के लिए एडसेंस के लिए अप्रूवल लोगे, अगर आपका ब्लॉग है .blogspot.com पर तो आपको मिलेगा होस्टेड अकाउंट, अगर आपने कस्टम डोमेन लगाया है तो आपको मिलेगा नॉन होस्टेड अकाउंट। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पहली ब्लॉगिंग की वीडियो है तो मैं आपको यहाँ पर बोर नहीं करूँगा। तो दोस्तों होस्टेड अकाउंट जो होता है ना दोस्तों, वो होता है गूगल के प्रोडक्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये ब्लॉगर गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पर मिलता है होस्टेड अकाउंट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों मान लो आपने अपने ब्लॉग से 100 रुपये कमाए हो .blogspot.com वाले डोमेन के साथ, होस्टेड अकाउंट के साथ आपका जो कमाया हुआ पैसा है दोस्तों 100 रुपये, तो उसमें से 45 रुपीज रखेगा एडसेंस और बाकी के जो 55 रुपीज होंगे वो देगा आपको, यानी कि 45% एडसेंस लेगा, 55% आपको देगा। वही अगर आप जाते हो नॉन होस्टेड अकाउंट के साथ, .com वाले डोमेन के साथ, तो दोस्तों इसमें रेवेन्यू शेयर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू होस्टेड अकाउंट दोस्तों। और एक खास बात भी यहाँ पर है दोस्तों, अगर आप .blogspot.com को लेकर अप्रूवल कराते हो, होस्टेड अकाउंट अगर आपको मिलता है, तो दोस्तों आप सिर्फ एक ही ब्लॉग पर अपने एड्स दिखा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही ब्लॉग पर आप अपने एड्स दिखा सकते हो। वही अगर आपको मिलता है नॉन होस्टेड अकाउंट, तो दोस्तों आपके अगर 10 वेबसाइट क्यों ना हो, आप उस अकाउंट के एड कोड्स को 10 वेबसाइट पर लगाकर अपने 10 वेबसाइट पर एड शो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको हर वेबसाइट या ब्लॉग के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप जाते हो .blogspot.com होस्टेड अकाउंट के साथ। तो अगर आपने इन फ्यूचर और एक ब्लॉग बनाया, फिर उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा, आपका एक वेबसाइट है तो उसके लिए आपको फिर से अप्रूवल लेना होगा। तो ये होता है डिफरेंस होस्टेड एंड नॉन होस्टेड अकाउंट में, और भी है आगे वाले वीडियोस में देख लेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप एक डोमेन परचेस करके लगा लीजिए, आपके पास अगर ऑलरेडी डोमेन है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो दोस्तों आप एक डोमेन ले सकते हो, सिर्फ 80 से 100 रुपीज़ के अंदर आपको एक डोमेन .com वाला डोमेन मिलता है दोस्तों .com, इससे आपका जो ब्लॉग होगा या फिर वेबसाइट वो प्रोफेशनल भी लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके ऊपर है दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मैंने तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर बता दिया है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो या फिर .blogspot.com से साथ आप जा सकते हो। तो अगर आप डोमेन लगाना नहीं चाहते तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीप डोमेन परचेस करने वाले हैं जो कि होगा 80 रुपीज़ का शायद में भी। तो अगर आप नहीं परचेस कर रहे तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर लीजिए। तो डोमेन परचेस करने के लिए आपको आना है गूगल पर, और गूगल पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नेम चीप और सर्च कर दें, और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले लिंक, आपको इस पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो डोमेन स्टार्टिंग एट $0.88, तो आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है और उस वेबसाइट पर आ जाना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, और यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट बना लेना है। तो आपको यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ।
और अकाउंट बना लेने के बाद आपको यहां पर से अपना डोमेन सर्च करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहां पर से अपना डोमेन जो भी आपको चाहिए वो आपको यहां पर से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ, stay smart.com मुझे चाहिए, तो यहां पर से आप अपना डोमेन लिख देने के बाद सर्च कर दीजिए। और जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपको अगर यहाँ पर अवेलेबल हो तो आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है आपका डोमेन तो आपको फिर से सर्च करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेकन, तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। तो मैं यहाँ पर से कुछ और सर्च कर लेता हूँ, bloggingdunya.com, ये डोमेन मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो .in बोल रहा है, तो मुझे .com चाहिए, अवेलेबल है या नहीं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डोमेन अवेलेबल है। तो जो भी डोमेन आपका अवेलेबल होगा, जो डोमेन आप परचेस करना चाहोगे, तो उस डोमेन को यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड टू कार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो डोमेन है वो यहाँ पर कार्ट में ऐड हो चुका है। तो आपको यहाँ पर व्यू कार्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफियरेंस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटो रिन्यू है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। आई मीन ये जो फ्री के जो सर्विसेज है आपको उसे ऑन कर देना है, एनेबल कर देना है। और कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो डोमेन है वो है $8.66 का। घबराइए मत, मैं अब आपको बताऊंगा कि इसे कैसे आपको 80 से 100 रुपये के अंदर लेना है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमो कोड, तो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है COM88, ध्यान रहे कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है आपको COM88 विदाउट एनी स्पेस, और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो सब टोटल होगा वो हो जाएगा 0.88। जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा ये 0.88 का। यहाँ पर आप देख सकते हो एरर, दिस कूपन हैज़ एक्सपायर्ड और हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि मैंने एक डोमेन अभी अभी लिया है, ऑलरेडी परचेस कर लिया है, तो यहाँ पर ये मुझे 8.66 बता रहा है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद तो करीब ये डोमेन जो होगा वो हो जाएगा 70 रुपीज का। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, और कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के साथ आप पे कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो पेपाल यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हो तो, या अगर आप चाहो तो अकाउंट फंड्स, यानी कि ये नेमचिप का एक अकाउंट है, अगर आपके पैसे उसमें हो तो आप वहां से कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको आप अपने कार्ड के साथ जाइए, आपकी मर्जी है। अगर आप यूज़ करना चाहो पेपाल तो यहाँ पर से आप पेपाल को भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद सारे डिटेल फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे ये जो डोमेन होगा वो होगा हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आपका डोमेन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, सक्सेसफुली परचेस हो जाता है, तो कुछ इस तरह का इंटरफियरेंस आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है नेमचीप का डैशबोर्ड, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डोमेन आ जाएगा। यहां पर आपका जो डोमेन होगा वो आ जाएगा, ये वो डोमेन है जिसको मैंने अभी अभी बाय किया है, रिसेंटली जो कि बाय किया है COM88 वाले प्रोमो कोड को अप्लाई करके। तो ये मुझे मिला है 70 रुपीज के करीब। तो अब आपने डोमेन को तो परचेस कर लिया है, तो अभी से कनेक्ट करना होगा आपको ब्लॉगर के साथ। तो इसके लिए आपको जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग एड्रेस, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सेटअप ए थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने जो अभी अभी डोमेन को लिया है, जो डोमेन आपने परचेस किया है उसे आपको कॉपी कर लेना है, और कर लेने के बाद आपको यहाँ पर www लिखना है, फिर डॉट लगाना है, उसके बाद आपके डोमेन को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो www. आपका जो भी डोमेन नेम है वो उसके बाद .com आपको लगाकर यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो आप जैसे ही सेव करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, ये एरर आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ बोला जा रहा है सी नेम्स के बारे में, तो आपको अपने डोमेन के ऊपर सी नेम्स रिकॉर्ड्स बनाना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये, इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको आ जाना है अपने डोमेन वाले डैशबोर्ड में, यानी कि नेमचीप वाले
डैशबोर्ड में, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है मैनेज पर। और मैनेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस डीएनएस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफियरेंस मिलेगा। शायद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है इंटरफियरेंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस डोमेन को मैंने अपने ब्लॉग के साथ कनेक्ट करा है, तो शायद आपको ये देखने को ना मिले। ये दो जो सीनेम है ये आपको देखने को शायद नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक होगा कुछ और नाम का, तो मैं आपको अब बताता हूँ आपको करना क्या है। जस्ट इन दोनों को आप इग्नोर करिए, बस आप फोकस करिए। तो आपको अब करना है यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सीनेम रिकॉर्ड्स, और इस पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो होस्ट। तो आपको यहाँ पर लिखना है www, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट। तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है वो अभी अभी जो आपने कॉपी किया है, वो पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक है। तो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है 30 मिनट, और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर कट पर करूँगा क्लिक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है इस डोमेन को। बट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होइए, आपको क्लिक करना है राइट पर, यानी कि सेव कर देना है इसे। तो मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो आपका एक सीनेम रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। फिर से जाना है ब्लॉगर पर, और जाने के बाद इस बार आपको इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद वापस से आना है डोमेन वाले डैशबोर्ड पर, और आने के बाद आपको यहाँ पर से फिर से क्लिक करना है ऐड न्यू रिकॉर्ड पर। फिर से आपको सेलेक्ट करना है सीनेम रिकॉर्ड्स, और उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो होस्ट। तो अभी आपने जो कॉपी किया है वो आपको पेस्ट करना है होस्ट में। फिर से जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर, और उसके बाद अब की बार आपको इसे कॉपी करना है। सारा का सारा कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से आइए डोमेन वाले डैशबोर्ड पर, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट। तो आपको ये टारगेट में पेस्ट कर देना है। फिर से यहाँ पर से ऑटोमेटिक को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर से कर दीजिए 30 मिनट। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है, सेव कर देना है। मैं डिलीट करूँगा, मैं कट करूँगा, आपको सेव करना है, ध्यान रहे सेव करना है। तो जैसे ही आप राइट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो दो सीनेम रिकॉर्ड्स थे वो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। ये दो सीनेम रिकॉर्ड्स को तो आपने ऐड किया है, लेकिन एक और सीनेम रिकॉर्ड होगा जो कि आपने ऐड नहीं किया होगा, वो आपके पास होगा। तो आपको सिंपली उसे यहाँ पर से टिक करना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको उसे डिलीट कर देना है। ज़रा ध्यान से करिए दोस्तों, आपने जो दो सीनेम्स को ऐड किया है अभी कुछ इस तरह के होंगे, इसे आपको डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सीनेम रिकॉर्ड होगा जिसको आपने ऐड नहीं किया होगा, आपको उसे डिलीट कर देना है बस, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना। और फिर से आपको वापस आ जाना है ब्लॉगर वाले डैशबोर्ड पर, और आने के बाद अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो सेव, आपको यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देना है। दोस्तों कभी कभी आपको ये कर देने के बाद भी एरर आता है, क्योंकि अभी आपने किया है तो आप अभी सेव करोगे तो शायद वहाँ पर अपडेट्स ना हो, तो आपको एक 10 से 15 मिनट के लिए वेट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर से सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो डोमेन होगा वो ब्लॉग के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और डोमेन ब्लॉक के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाने के बाद आपको फिर से आना है यहाँ पर एडिट पर। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिडायरेक्ट हिंदी स्कूल ऑनलाइन .com टू www.hindischoolonline.com, यानी कि अगर कोई बंदा URL में सर्च करेगा आपके डोमेन का नेम, जस्ट आपके डोमेन के नेम .com, तो वो उसे रिडायरेक्ट कर देगा www.apkedominkaname.com पर। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है, और सेव कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो HTTP अवेलेबिलिटी, ये नो होगा आपके पास, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे एस कर देना है। और एस कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नो है, तो ये आपके पास जल्दी हाईलाइट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट। तो आपको फिर से यहाँ पर आना है, इसको तो आपने एस कर दिया है लेकिन ये अभी हाईलाइट नहीं होगा आपके पास, 15 से 20 मिनट के बाद हाईलाइट होगा। तो आपको फिर से वापस आना है यहीं पर। आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे आप एस कर दीजिए, और जैसे ही आप एस कर देते हैं तो आप देख सकते हो आपका जो ब्लॉगर होगा वो सिक्योर हो जाएगा HTTPS। तो हमने डोमेन को ब्लॉग के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पर से एक बार ब्लॉग को देख लेते हैं ये लग कैसे रहा है।
तो ये देख सकते हो आप, आपका जो ब्लॉग है कुछ इस तरह का लग रहा है। इसका जो लुक है ये ब्लॉगर का डिफॉल्ट वाला लुक है, तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने ब्लॉग पर थीम को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको आना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो थीम्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पर, आई मीन डिफॉल्ट थीम्स है होते हैं, ये ब्लॉगर की तरफ से आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई थीम पसंद आती है तो आप इनमें से कोई भी थीम को ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो अपने ब्लॉग पर। या फिर अगर आप चाहते हो अपने ब्लॉगर पर एक अच्छी गुड लुकिंग थीम को लगाना, तो मैं एक थीम का लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मेरे वेबसाइट का लिंक होगा। आप वहां पर जाके एक थीम है उसे डाउनलोड करके अपने ब्लॉग पर लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है। तो मैं यहाँ पर आपको वही थीम लगा के दिखा दूंगा, अगर आप चाहो तो जाकर लगा डाउनलोड करके आप उसे लगा सकते हो। तो जाइए जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको थीम्स पर आना है इस तरह से, और थीम्स पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बैकअप स्लैश रिस्टोर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद चूज फाइल्स, और यहाँ पर से आपको थीम को सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपने उसे डाउनलोड किया है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पर से कोई भी एक थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी जो डाउनलोड किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यही है वो थीम जिसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसका नाम है पलकी टू, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है थीम। तो अब हम यहाँ पर से अपने ब्लॉग को एक बार व्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ब्लॉग है उसका पूरा लुक चेंज हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह का आपका ब्लॉग लग रहा था, अब यहाँ पर किस तरह का लग रहा है। तो अभी हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। ये जो ये जो मेनूज दिख रहे हैं उसे हमें चेंज करना है। ये जो फालतू के फजूल के दिख रहे हैं सब, हमें उन्हें चेंज करना है। और हमें बहुत सारी चीज़ें अपने ब्लॉगर में करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं वो सब कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये पहली वीडियो थी दोस्तों, और काफी लंबी भी हो गई है ये वीडियो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जहां पर रुकी है ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको क्या अपने ब्लॉग में करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या होती है ब्लॉगर की सेटिंग्स। और अगर किसी बिगिनर ब्लॉगर को आप जानते हो तो ये वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। सो या गाइस, मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।